लोकसभा सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने, मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम प्रशासन अष्टभुजा गुप्ता, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, तहसील सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव में वोटरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वोट डालने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाए, वोटरों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बूथों पर पड़ने वाले वोटों को प्रतिशत को बढ़ाया जाए तथा वोटरों को नैतिकता के आधार पर वोट डालने को प्रेरित करने किया जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराया जा सके। तो कोई खास बात बता रहे इस पे सीईओ साइट पे उसको डाउनलोड करके सबको मैडम वो साइट पे 101 स्वीप उस पे है वो वाले वो लुकेट नॉट एंड तमाम चीजें। बाकी पिछले साल का जो वोटर परसेंटेज है वो आपके पास है, खासतौर पर एक काम करना स्वीप में साइंटिफिकली करने के तरीके यही है। पिछले साल जो चुनाव खासतौर पर लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव दोनों समय में आपको वोटर टर्नआउट क्या है वो आपके पास होना चाहिए था, उस पर आप चकवा सकते हैं सबसे खराब वोटर टर्नआउट बूथ कौन सी है, उसका वजह क्या है, उसी का एड्रेस करना है। स्वीप ऐसे नहीं है कि जनरली प्रचार प्रसार कर दिए बस हो गया, ऐसे नहीं होता है। हमेशा जो लो टर्नआउट एरिया होता है इलाका होता है उसको वजह भी होता है, उसके खासतौर पर हो सकता है वहाँ ज्यादातर लोग बाहर चले गए होंगे, नहीं तो किसी न किसी वजह छूटा हुआ होगा, नहीं तो कोई तो वजह होता है, वो वजह आइडेंटिफाई करना होता है किसी वजह वहाँ वोट टर्नआउट नहीं हो पा रही है, उसी के साथ एड्रेस करना होता है। कहीं तो जनरल स्ट्रैटेजी तो ठीक है, हम लोग तो प्रचार प्रसार करते हैं जनरली करते हैं, बट कहीं जाकर के पूछना भी पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कोई मतलब पॉलिटिकल उसका वजह भी हो, मतलब कोई धमका रहा डरा रहा क्या चीज है, तो असली चीज बूथ के जाने के बाद ही पता चले। इसलिए आपके पास जो पिछले चुनाव का लोकसभा और विधानसभा चुनाव का वोटर टर्नआउट बूथ वाइज होना जरूरी है, और जो बूथ का फोकस करिए किस पे खराब टर्नआउट है उसका वजह आपको पता होना चाहिए था, उसी हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी 101 में बताया, ये केवल इसी के अलावा भी आपको क्रिएटिविटी आप शामिल कर सकते हो, जो वहाँ फिट होता है वहाँ सुटेबल होता है उसी के। खासतौर पे हम लोग जो बच्चे के भी बताते हैं, बच्चे एक माध्यम के रूप से काम करते हैं और वहाँ का कुली बैठक करते हैं सारे प्रधान के माध्यम से, उनसे भी जागरूक करते हैं उस पे, और नैतिकता पे जोर देना है हमेशा, क्या चीज है लोकतंत्र, क्या चीज है तो वोट का महत्व क्या है, और उसको मतलब बेसिकली कोई डुबाना और धमकाने के लिए आता है तो उसी की कैसे रेसिस्ट करना है, उसी समय में हम लोग का कैसे करना है सारी चीज़ें। उसमें हम लोग जो हर बार चुनाव से पहले विश्वास पर्ची भी जारी करते हैं, उस पर सबका मोबाइल नंबर डिटेल रहता है, छोटी सी पर्ची टाइप का, आपका नंबर मेरा नंबर सारे हैं उनको, वो ये भी बताएंगे आपको कोई दिक्कत है बताओ हमसे बात करें। अब उसी दिशा में गवर्नमेंट ने जो अब सिंगल विंडो 1950 चालू किए इंटर कॉल सेंटर, उसी का पर्पज भी यही है, ताकि तमाम लोगों का मन में यही होता है ये तो बनना वोटर बनना तो बहुत टिपिकल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, खासतौर पर जो नया पीढ़ी है लोग तो पहला वोट तो मतलब 19 साल से वो एलिजिबल होते हैं, बट मुश्किल से 25-30 साल पहले कोई वोट डालती है, और उन लोग वजह यही है तो वोटर बनने में तो लगता है तो बहुत टीडियस प्रोसेस है, उस पर बहुत समय लगता है, कॉम्प्लिकेटेड तमाम डिटेल मांगा जा रहा है, उसी की वजह उन लोग का नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे कैटेगरी को हम लोग को लाना है खासतौर पर इसी जनपद में हम लोग को फोकस करना महिला वोटर के ऊपर, बहुत ही खराब है, हम लोग का जेंडर रेशियो पहले ही खराब है और टर्नआउट जरूर खराब रहा होगा, ताकि जो पहले हम लोग एनरोल ही नहीं किए तो फिर कहाँ से वोट देने के लिए आए, ये चीज है खासतौर महिला वोटर। दूसरा शहरी वोटर्स तो वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं, ये दोनों हमेशा तो एक एरिया रहता है, ये लोग मुश्किल से निकलते हैं, बड़े बड़े शहर में वोटर टर्नआउट खराब निकलता है हमेशा, जो आपका कस्बा होता है जो नगर पंचायत हो नगर निगम हो ये इसी निकाय इसी इलाके में आपको और ग्रुप के साथ काम करना पड़ता है, खासतौर पर जो आपका नगर की ग्रामीण इलाका में स्ट्रैटेजी अलग करना होता है शहरी इलाके का अलग करना होता है। ग्रामीण इलाका का जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है प्रधान है वो लेखपाल है कानून को, और जो प्रचार प्रसार है नहीं तो टोलियां निकल दिए बच्चे ने गोली निकल दी और गोली बैठक कर दिया और राशन डीलर को बता दिया, जो राशन बांटने के समय एक छोटी सी मोहर बना के दे दी है बस उस पर मोहर लग के दे रहा है जरूर वोट दूंगा वोटर में वोट मेरा हक है, इसी टाइप की छोटी छोटी बना के दे दी है, ये सारे स्ट्रैटेजी तो ग्रामीण इलाके में चल जाता है। शहरी इलाके में तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज करना पड़ता है, आप यदि तो रिक्शा के माध्यम से अनाउंस करें अच्छा मीटिंग हो रही है और नहीं तो जो कितने दुकान है उसको भी टाइप करके डिस्काउंट के बाद कह सकते हैं, हर बार कहते हैं वोट देने के बाद उनका 10% डिस्काउंट देते हैं बहुत सारे दुकान,
वोट देने के पहले वोट देने के बाद वो भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो तमाम यहाँ जो रोटरी क्लब है, तमाम क्लब है, जो एनजीओ टाइप का लोग है वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं। उसके अलावा तमाम संगठन है, मान लीजिए अधिवक्ता संगठन हो गया है, आपके व्यापार मंडल हो गया है, और जो भी संगठन लोग हैं उन्हीं लोगों के साथ आपको काम कराना होता है, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कम से कम उनने उनका जो सदस्य लोग का इन्फ्लुएंस अच्छा करते हैं उन लोग, उसे मोबिलाइज करके, अब इस समय में वोटर बनाने के लिए आप मोबिलाइज करिएगा, ताकि तो केवल आप स्वीप के नाम से जाएंगे तो फिर कोई इतने रुचि नहीं लेता है। अब जो अभी हम लोग के पास वक्त है, अब ये संगठन से संपर्क करते हुए कैंप लगा दीजिए, यदि अधिवक्ता किसी लोग का करना है तो कोर्ट में लगा दीजिए, और व्यापार मंडल का है तो एक जगह सेलेक्ट करके वहाँ आसपास बी लोगों को बुला करके वहाँ कैंप लगा दीजिएगा, और कहाँ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ कैंप लगा दीजिएगा, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबसे सर्टिफिकेट ले लीजिए, सारे बच्चे मेरे एनरोल हो गए हर बार लेते हैं हम लोग। इसी तरह जो शहर का स्ट्रेटेजी और ग्रामीण इलाके का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है, और शहरी इलाके में ये भी देखना पड़ता है दूर दूर इलाका में भूत ना हो जाए। और एक कैटेगरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बार बार इलेक्शन कमीशन जोर देती है, पीपल विद डिसेबिलिटी, वो मैपिंग बहुत जरूरी है। और उसका जो हम लोग पिछले जो कितने चुनाव में मेरा स्ट्रेटेजी यही था, हमेशा जो ग्राम लेवल का जो हमारे कर्मचारी है उनका इंटरेस्ट करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है बूथ वाइज कितने विकलांग निकल रहे हैं खासतौर पर, जो मान लीजिए 15 दिव्यांग है, 10 दिव्यांग है, उसको जो आपस में बांट के पांच पांच आपका लेखपाल को दे रहे हैं, सेक्रेटरी को दे रहे हैं, कोई ग्राम स्तर अधिकारी को इंश्योर करें भाई ये तुम्हारा गारंटी है इन लोगों को वोट देने के लिए लेके आना है, और प्रधान को भी बता देगा तो लेके आएगा जो भी करेंगे। ऐसा नहीं केवल मॉडल बूथ में करेंगे, मैं चाहता हूँ हर बूथ में व्यवस्था करें, ताकि हर गाँव में व्हील चेयर तो मिल ही जाना है, ऐसी बात नहीं व्हील चेयर मिलना, एंड हर बूथ में एक आदमी तो वॉलंटियर के रूप से तो चेंज करना बड़ी बात नहीं, एक लड़का तो आराम से चेंज कर सकता है। व्हील चेयर किसको लगेगा, किसी भी विकलांग के पास जो है वो उसका उधार से लेकर के एक दिन लगा सकते हैं। यदि आपको वहां मिल नहीं रहा तो बता दीजिए, जनपद लेवल पे हम लोग भिजवा देंगे आपको, और पहले आपके पास मैपिंग होना चाहिए था किस बूथ में सबसे अधिक विकलांग जन शारीरिक विकलांग कहाँ है, और उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटजी कराना पड़ता है। शारीरिक विकलांग है तो फिर वहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था करना होगा, और वहाँ रिलैक्स करना पड़ेगा, जो टू व्हीलर जो भी आता है बूथ के सामने तक आकर के वो छोड़ सकता है। और यदि मान लीजिए तो दृष्टिहीन है उन लोगों के लिए फिर पहले ही आप लोग सेलेक्ट करके रखना है उनको कहाँ से ले जाना आना, मैपिंग बहुत जरूरी चीज है। उसका खासतौर पर जो ग्राम स्तर अधिकारी कर्मचारी से ट्रस्ट करेंगे उसी से हो जाता है, अच्छा खासा टर्न आउट हो जाता है उसको। और उसके क्या ताकि जो इलेक्शन तब चालू होते समय में स्वीप ऑब्जर्वर भी आते रहते हैं, और उसके लिए अलग ईसी भी चलता है, अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीईसी साहब तो उसके लिए अलग रिव्यू भी करते हैं। अब बस एक स्ट्रेटेजी आप तैयार करके रख लो, बस कि नीचे लेवल को मत थोको, ताकि स्वीप भी ऐसे बहुत जरूरी है। स्वीप का केवल मकसद वोटर बढ़ाना नहीं है, नैतिक वोट बढ़ाना है, बहुत जरूरी चीज है, बिना उसका केवल संख्या का कोई मतलब नहीं है। आप समझे ताकि इन लोग को एजुकेट करने की जिम्मेवारी भी हम लोगों का है, बस जो आस पास पड़ोस ने बता दिया वही इनके दिमाग में है, वही जाकर के बटन दबा के आ जाता है। उनको वोट का ताकत बताना है, ये जो लोकतंत्र का क्या मतलब ये सिखाना है, बताना है उसे क्या क्या चीज, ताकि तो इनको नहीं बताया वो सुबह से उठ के जो ब्रश करने से लेकर सोने तक का जो चीज इस्तेमाल करता है सब में मतलब वो पॉलिसी इन्वॉल्व है, कितने टैक्स है, कितने देना है, कौन सी पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सारे चीज उन्हीं के वोट से तय होता है। उनको नहीं पता है हमारा क्या लेना देना है, कोई जीते कोई करे हमें क्या मतलब, उन्हीं का पूरा मतलब यही समझाना भाई, तो तुम्हारा 5 साल का पूरा जिंदगी उस पर निर्भर है, तुम्हारा बच्चे कौन सी पढ़ाई करना है, तुमके जो कौन सी गाड़ी में जाओगे, कैसे आओगे, कौन सी दूध पे यूज करना है, क्या रेट पे करोगे, कौन सी कपड़ा पहनोगे, सारे चीज नेता ही तय करते हैं, वो तो नेता के सुन के भेजना तुम्हारा जिम्मेदारी है। ये सारे चीज समझाना बहुत जरूरी है, अपने वोट का ना भेजे ये बहुत जरूरी चीज है, उस पर जोर देना है, यही तो स्वीप का मेन उद्देश्य है, इसलिए स्वीप बना हुआ है, इसलिए बजट दी जाती है।